culture. ये लेंगे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआरसी। मेरे भाइयों, कमाल की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं, अथेंटिक रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। बहुत टेस्टफुल बनती है चिकन चंगेजी, किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं आज की रेसिपी में मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ, रमजान शरीफ का गिफ्ट देने वाला हूँ। चिकन चंगेजी बनाते हैं, तवज्जो से देखिएगा। चिकन चंगेजी तैयार करने के लिए 1 kg मैंने चिकन ले लिया, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, छोटी बोटी करवा ली, ठीक हो गया। इस तरह शीशे के बोल में डाल दें, कोई मसला नहीं है। ये 100 ग्राम दही शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। 2 tablespoons भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। 1 tablespoon भर के लेमन जूस शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। रेड चिल्ली पाउडर 1 tablespoon भर के इस तरह देखें शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। हल्दी 1/4 teaspoon शामिल कर दें। नमक 1.5 teaspoon या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दें। बस अच्छे तरीके से मिक्स कर दें, अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया। मैरिनेट होने के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ दें, 15 मिनट के बाद मिलते हैं, ऊपर से कवर लगा दें। 15 मिनट के बाद हमने यहाँ पैन चढ़ा दिया, इसमें 1 पाव ऑयल डाल दिया और उसको हाई फ्लेम पे फुल गर्म कर लिया, ठीक हो गया। और फ्लेम को आपने स्लो नहीं करना, हाई फ्लेम पे हमने ये चिकन मैरिनेट किया हुआ इसमें शामिल कर देना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको 5 मिनट तक हमने हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई कर ली है, ठीक हो गया, अच्छे तरीके से। 5 मिनट के बाद फ्लेम आपका स्लो नहीं रहेगा, ये बात आपके ध्यान में रहे। 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। ये नहीं जी, 5 मिनट के बाद हम इसको उठाने लगे हैं। यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया और बाउल के अंदर स्ट्रेनर रख दिया, इसको हमने इस तरीके से छान लेना है। हमें बोटियाँ चाहिए, एक्स्ट्रा से ऑयल नहीं चाहिए, इसको साइड पे कर दें। इसके साथ का एक और पैन ले लें, इसको यहाँ फ्लेम पे रख दें और 1/2 कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर दें। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दें। ऑयल गर्म होने के बाद फ्लेम को मीडियम कर दें। एक दरमियाने साइज का प्याज था, उसको हमने थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया, पेस्ट तैयार कर लिया, शामिल कर दें और 3 मिनट के लिए इसमें फ्राई कर लें मीडियम फ्लेम पे, ठीक हो गया। 3 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं, फ्लेम मीडियम रहेगा, ये बात ध्यान में रहे। इस टाइम पे आके हमारे पास 3 अदर टमाटर थे, उनका भी हमने पेस्ट तैयार कर लिया ग्राइंडर में, ठीक हो गया। हल्का सा पानी डाल के शामिल कर दें और थोड़ा सा टमाटरों का पानी खुश कर लें, 2 से 3 मिनट लगेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये रहे, इस टाइम पे आके जब टमाटर का पानी खुश हो गया, दम वाला फ्लेम ले आए, दम वाले फ्लेम पे 1/2 कप दूध का शामिल कर दें और साथ में इसके अंदर अब हम मसाले कुछ शामिल करेंगे। जीरा पाउडर 1 teaspoon शामिल कर दें, खुश्क धनिया 1/2 teaspoon पिसा हुआ शामिल कर दें, कसूरी मेथी 1 teaspoon भर के शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इसके दम वाले फ्लेम पे 4 से 5 मिनट पकने दें, ठीक हो गया। ये नहीं, ये दूध डाल के हमने इसको दम वाले फ्लेम पे 4 मिनट के लिए छोड़ दिया। 4 मिनट के बाद ये कंडीशन होगी, फ्लेम को मीडियम पे ले आए और ये जो चिकन हमने फ्राई किया था ये इसमें शामिल कर दें, बहुत प्यारा टेस्ट आएगा, कमाल का तैयार होगा, गल समझ आ रही है। इसको शामिल करने के बाद 2 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से हम इसको इस मसाले के अंदर भुनाई करेंगे, 2 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। ये जिस टाइम पे आके 1/2 कप पानी का शामिल कर दें, दम वाला फ्लेम कर दें, 10 मिनट के लिए ऊपर से कवर लगा दें दम वाले फ्लेम पे, 10 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे। 10 मिनट के बाद कवर उठा दें, अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारा गल चुका है। हमने अभी फ्लेम को हाई नहीं करना, ना मीडियम करना है, ठीक हो गया। इस टाइम पे आके 3 tablespoons टेट्रा पैक क्रीम शामिल कर दें दम वाले फ्लेम पे, मेरी गल जहन च रखे हुए, और साथ में हम इसके अंदर शामिल करेंगे सब्ज मिर्चें 4 से 5 अदद जो कड़वी काम है, अच्छे तरीके से मिक्स कर दें, 2 से 3 मिनट के लिए पकने दें दम वाले फ्लेम पे, अब कवर नहीं लगाना, ठीक हो गया। 3 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 3 मिनट के बाद फ्लेम को हाई कर दें, थोड़ा सा हमने इसको इसकी ग्रेवी को पुश करना है और साथ ही नमक अपने हिसाब से आप सेट कर लिया करें, मेरे हिसाब से नमक ठीक है, कम ज़्यादा नमक आप कर सकते हैं। गरम मसाला 1 tablespoon शामिल कर दें, पहले डालेंगे तो ब्लैक की तरफ चला जाएगा,
और इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा सा हम इसकी ग्रेवी को खुश कर लें, 3 से 4 मिनट लगेंगे, उसके बाद आपसे मिलेंगे। अगर आपको ग्रेवी इतनी पसंद है आप यहीं पे रोक दें, चिकन हमारा तैयार हो चुका है, आप इसको खा सकते हैं। लेकिन ग्रेवी थोड़ी सी कम होगी तो लुक वाइज अच्छी लगेगी और ऑयल भी ऊपर आ जाएगा। ठीक हो गया, अच्छे तरीके से इसको हाई फ्लेम पर मैं पका लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। पकते हुए 4 मिनट हो गए हैं, 4 मिनट में हमने इसका अच्छे तरीके से जितना हमें चाहिए था ग्रेवी उतनी हमने इसकी कर ली। ठीक हो गया, हाई फ्लेम पे फ्लेम को बंद कर दें, ऊपर से फ़ौरन कवर लगा दें ताकि आयल ऊपर आ जाए, 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट दे दें, उसके बाद मिलते हैं। ये नहीं जी, चौंचलेबाजी करनी है तो चम्मच से डिश आउट कर लें, बाबा तो या सादा बंदा बाबे नु की पता, इस तरह उठाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुक वाइज देख लें कितना प्यारा बना चिकन चंगेजी, एह उत्ते सब धनिया नहीं दब देना, गल समझ आ रही है। इस तरीके से आपने तैयार करना है, थोड़ा सा सेट कर लें इसको इस तरीके से, माशाल्लाह लुक वाइज कितना खूबसूरत लगा है, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। चिकन चंगेजी किस तरीके से तैयार होता है मेरे भाइयों, आपको मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी रेसिपी चिकन चंगेजी की अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अजीजों में शेयर कर दिया करें, अपना भी ख्याल रखा करें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखा करें, मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।